गुड मॉर्निंग गाई, आज के एक और इस नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। गाइस सुबह के 10 बज रहे हैं, गांव से विकास आ रहा है। गुनगुन को देव मोड़ छोड़ देंगे और गुनगुन लेकर गांव जाएगा। 1 जनवरी मनाने जाना है गांव गुनगुन को। पीछे से हम लोग भी जाएंगे, वहीं हम लोगों का 1 जनवरी मनेगा। अभी हम लोग भेड़िया कनबेरी के पास है, आप देख सकते हो नेशनल हाईवे 2। चला गया विकास के साथ, गुनगुन को भेज दिए। अभी हम औरंगाबाद और देवमोड़ के बीच में हैं और चल रहे हैं औरंगाबाद के लिए। गुनगुन को पहुंचा दिए देवमोड़, विकास लेकर चला गया गांव और हम आ गए औरंगाबाद। देखिए यहाँ पे कौन आया है, बिट्टू भैया हैं और ये बबलू भैया हैं, ये हमारे पापा हैं, देख सकते हो। सो गाइस अभी हम चल रहे हैं गांव और देख सकते हो 1 जनवरी आ रही है ना, इसीलिए हम पापा और मम्मी जा रहे हैं गांव। और गुनगुन दी तो गांव चल गए पहले ही से, और जिया दी चल गई है नानी घर, और हम लोग तीनों बचे थे तो चल रहे हैं हम लोग गांव। तो हम लोग सब गांव जा रहे हैं, तो देखिए ताला बंद कर रहे हैं और यहाँ सब बंद हो गया, बच्चा लोग जा रहा है। हम जिया और गुनगुन चली गई थी और हम लोग अब जा रहे हैं। 1 जनवरी घर पे ही मनाएंगे, पूरे फैमिली मिलकर मनाते, अच्छा लगता है। यहाँ तो मोहल्ले वाले भी कोई कोई है, कोई चले गए, सब कोई करीब करीब यहाँ गांव पे चला ही जाता है, तो अच्छा नहीं लगता है, पूरा मोहल्ला खाली हो जाता है, और इसीलिए हम लोग भी जा रहे हैं। वैसे भी हम लोग पर्व में हर त्योहार में गांव चले ही जाते हैं, क्योंकि वहां पे हमको बहुत अच्छा लगता है। तो चलते हैं गांव। क्या है, ताड़ का पेड़ है, तो ताड़ के पेड़ में क्या हो रहा है? चलो छोड़ो, नहीं टूटेगा। अभी बज रहे हैं 11 और हम लोग जा रहे हैं गांव। बच्चों का छुट्टी है तो 1 जनवरी बीतेगा गांव पर ही हम लोगों का। सारे परिवार के साथ मिलकर हम लोग पिकनिक मनाएंगे, सारे लोग रहेंगे तो अच्छा लगता है, इसलिए हम लोग पिकनिक मनाने के लिए चल रहे हैं घर पे गांव पर। और हम लोग देव औरंगाबाद रोड में है। सो गाइस देखिए हम लोग गांव जा रहे हैं, तो बीच रास्ते में कैक्टस दिखा हम लोग को, देख सकते हो आप कैक्टस को, बहुत बड़ा बड़ा है, और उसके बीच में छोटा सा जो है ना वो फूलेगा सरसों का। सरकारी हॉस्पिटल पहुंच गए हैं, अपने घर आ गए हैं। देख सकते हो हमारा गाय है और दोनों बच्चियां हैं इनकी। और यहाँ पे बाबा हैं, प्रणाम कर लेते हैं। आग ताप रहे हैं बाबा, आग ताप रहे हैं। देख सकते हो माँ है, बिलाई दादी है, ये भाभी है, ये देखिए हमारी आंटी है, ये प्राची है, और ये छुटका है, और ये हर्ष है।
गुनगुन और ये प्राची दोनों मिलके क्या बना रही है कार्टून का जी तुम लोग? रसगुल्ला कार्टून के। वाह खिलाओ बनाएगी तब ना। उधारू काम इसका है जो काम फालतू होता है इन लोग के जिम्मे है। क्या बन रहा है इसका कार्टून का? क्या बन रहा है गुनगुनी तो पता नहीं है तो बना कह रही है क्या बन रहा है? डॉल हाउस क्या तुम लोग कर रही है? पतंग उड़ा रही है। गुनगुन है, प्राची है। अरे वाह ये घोड़ा गाड़ी बहुत दिनों के बाद देखने के लिए मिला है घोड़ा गाड़ी। वाह क्या बात है क्या बात है। कहाँ से आप लोग आ रहे हो भाई? अच्छा तो इधर तो रास्ता उत्तर प्रदेश का नहीं है। चलो ठीक है ठीक है ठीक है अच्छी बात है। पता नहीं कहाँ से आ रहा है लोग और जाएगा उत्तर प्रदेशी लोग। तो लोग अपना कार्यक्रम में लगल रहो और देखते हैं मेरे दरवाजे का फूल बड़ा ही खूबसूरत है। बड़ा मस्त फूल है जी, गेंदा, गुलाब, गुड़हल, गुलदावरी। यहाँ शमी का लगा हुआ है देख सकते हो, तुलसी के पौधे हैं। और प्राची और गुनगुन यहाँ पतंग उड़ाने में व्यस्त है। यहाँ पेड़ के पास बैठने का जगह है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे बैठने में। फिलहाल तो अभी हम जा रहे हैं दुकान। हमारे दरवाजे के आगे एक छोटा सा तालाब, इस पर शीशों का पेड़ लगा हुआ है। चारों ओर हमारे पापा लगाए हैं देखो। और यहाँ एक हमारा भाई लगता है बहुत ही मेहनती है, मेहनत कर रहा है। बेचारा कुदाल चला रहा है, अब इसमें क्या लगाएगा पूछते हैं। इसमें क्या लगाओगे जी? प्याज लगेगा ना। देखो कितना मेहनत कर रहा है, अपने से खेती कर रहा है, अपने से कुदाल चला रहा है। और चलाना भी चाहिए, लोगों को दूसरे पर आश्रित कम होना चाहिए। और ये मेहनत करता है, अच्छा मेहनत करता है। इसमें प्याज लगेंगे जैसे यहाँ लहसुन लगा हुआ है इसमें ना, कि प्याज लगा हुआ है, थोड़ा सा प्याज लगाया हुआ है। अभी और बना रहा है इस तरह का, बनाकर इसका मिट्टी का छोटा छोटा टुकड़ा कर इसमें प्याज लगाएंगे। हमारे खेत में भी यह है हमारा खेत, और इसमें भी प्याज लगेंगे। अभी बनाया गया है प्याज लगाने के लिए देखो। और ये पालक के साग है, धनिया पत्ता है और लहसुन है। लहसुन की खेती है, लहसुन लग गया है, लगा दिया है। ये सारे जितने भी खेत आपको दिख रहे हैं, ये जितने भी हैं, ये सारे में प्याज लगेंगे। यहाँ हमारे गांव के सारे बच्चे यहाँ पर इकट्ठे हैं, वकील साहब के दरवाजे पर हैं, जो संध्या के दरवाजे पर। और यहाँ सारे लोग हैं, बहुत सारे बच्चे हैं। हम लोग का क्या प्रोग्राम है वो बताओ। प्रोग्राम जो है ना अभी का, आज साल का लास्ट दिन है, कल जो है साल का स्टार्टिंग दिन होगा, फर्स्ट दिन, पहला दिन। तो पहला दिन में तुम लोग का क्या प्रोग्राम है? 2021 में, 2022 मैंने 2021 में हम लोग के साथ अच्छा भी घटना घटा,
बुरा भी हुआ, वो तो होता है प्रकृति का। साल हमारे लिए बहुत एक अच्छा हुआ, बहुत एक अच्छा हुआ 2021 में बहुत एक काम बहुत अच्छा हुआ। क्या हुआ भाई? मुखिया बने हम लोग के मन के। अच्छा, मैंने जो हम लोग का बाकी तो सब कोरोना काल था, कुछ दिन कुछ इधर उधर होते रह गया। 2022 में देखिए क्या होता है। बात सही है। और तो विशेष देखिए कल क्या पुआ पकवान क्या बनता है। तो तुम लोग का कोई प्रोग्राम नहीं है? प्रोग्राम सोच रहे हैं अभी, लेकिन नन्हे बताएंगे। अच्छा, प्लानिंग चल रहा है अभी? बताइए नन्हे, बनाएंगे अभी, प्लानिंग चल रहा है। हाँ अच्छा, प्लानिंग चल रहा है। यहाँ कल के प्लानिंग की चर्चा हो रही है और यहाँ विपुल है, तो विपुल प्लानिंग का चर्चा कर रहा था, कैसे कैसे मुर्गा का टांग जैसे तोड़ना है, कैसे मुर्गा के टांग जैसे घिचना है, दांत से घिचना है कि मुंह से घिचना है, मुंह से घिचना है। हाँ, ये सारे यहाँ जितने भी लोग हैं यहाँ प्लानिंग चल रहा है। लाल लाल एकदम रहेगा, एकदम फ्राई रहेगा, मसाला भर के एकदम अब घिचाते रहो। चलो अच्छा है, सब कोई मिलेगा। आप कृपया बना रखे, लाइक करे, सब्सक्राइब करे, अब दिखाइए बेल आइकन दबा, हो गया। 5:30 होने को है, ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।